हेलो एवरीवन, दिस इज खुशी हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू टीएम सीरीज, टेक महिंद्रा सीरीज। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सीरीज गाइस? इसको अभी कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे लोग कमेंट रख रहे थे एंड कमेंट्स कर रहे थे। मैं उनका रिप्लाई भी देती हूँ, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते रहते हैं मुझे, उनका भी मैं रिप्लाई देती रहती हूँ। बट कुछ ऐसे बातें होते हैं जो मैसेज में हम पूरा सारा टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस कमेंट्स को मैं पिक करके हर वीडियो के एंड में कौन सी भी एक कमेंट को पिक करके उसके ऊपर जो भी उनके डाउट्स होते हैं ना वो क्लियर करने की सोच रही हूँ। गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस दिस आइडिया? क्योंकि काफी सारे लोग अगर देखते हैं तो उनको भी शायद हेल्प हो सकती है। डाउट्स काफी सारे हमारे मन में भी होते रहते हैं ना, तो मैं सोची थी ऐसे करने से डाउट भी क्लैरिफाई होगा, उनको भी मैं प्रॉपर फेस टू फेस जैसा आंसर देने का एक मुझे मौका भी मिल जाता है, ठीक है। कुछ आपके कमेंट्स है, ढेर सारे कमेंट्स है, कमेंट डाउन में जरूर मेंशन कर देना, ठीक है। ओके, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट गाइस, यहाँ पे LOI एंड ऑर्फो लेटर के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है। काफी सारे लोग यही सोच रहे थे लेटर ऑफ इंटेंट ही ऑफर लेटर है, बट गाइस लेटर ऑफ इंटेंट अलग है, ऑफर लेटर अलग है, दो का काफी डिफरेंस है। मैं डिफरेंशिएट आपको यहाँ पे बता के दिखाने वाली हूँ। मेक श्योर करिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। कुछ डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, इंस्टा हैंडल यहाँ पे रख देती हूँ, खुशी स्टाइल्स 999। फॉलो करके जो भी आपके डाउट्स होते हैं ना वहाँ पे मुझे पूछ लेना। लेटर ऑफ इंटेंट पहले ये आते हैं गाइस, जैसे कि इंटरव्यू हो गया है, आपका सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद जाके आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद लेटर ऑफ इंटेंट का नाम से यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है कंपनी की तरफ से, ठीक है। उसके अंदर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। आपका नेम होती है, ट्रेनर आईडी होता है, नॉट एन एम्प्लॉई आईडी, ठीक है। ये लेटर ऑफ इंटेंट में आप एक ट्रेनी लेवल पे ही हो, ठीक है। जैसे आप स्टाइफंड मिलती है वो डिपेंड करती है आपका कितना दिन का प्रोसेस है, क्या क्या है, ठीक है। पर उस पे आपका स्टाइफंड अमाउंट वेरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन, उसके साथ ही साथ वहाँ पे कितने दिन का है, कौन सा प्रोसेस का है, ट्रेनी का आईडी वहाँ पे मेंशन किया जाता है। उसी ट्रेनिंग आईडी से ही आपको वहाँ पे बुलाया जाता है, आपका नाम के साइड पे ट्रेनिंग आईडी होती है, ठीक है। उसके बाद जाके आपका एम्प्लॉय आईडी देना स्टार्ट करते हैं। बट मेक श्योर करें ये आपका सिर्फ ट्रेनिंग लेवल तक का ही, यहाँ पे जो गेट पास बोलते हैं ना, तो कुछ उस टाइप का गेट पास होता है, ठीक है। लेटर ऑफ इंटेंट नीचे आपको साइन करके फिर से उनको रिवर्ट बैक कर देनी है, यही उसका मीनिंग होता है, ठीक है। वेलकमिंग टू द ऑफर लेटर, ऑफर लेटर यहाँ पे कब आपको कौन सी डेट पे रिलीज होती है, तब जाके आपका सैलरी स्टार्ट हो जाता है गाइज। क्योंकि यहाँ से ना आपका जो भी लेटर ऑफ इंटेंट लेके आप ट्रेनिंग लेवल पे जाते हो, ट्रेनिंग लेवल पे होते हो, बट आप एम्प्लॉय का लेवल पे जाते हो ना, तब आपको ऑफर लेटर रिलीज करता है गाइस कंपनी। ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट लेटर है जो कि आप एक एम्प्लॉय के लेवल पे जाते हो, जहाँ से आपका सैलरी काउंट होना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द डेट, जो वहाँ पे एक डेट मेंशन होती है ना ऑफर लेटर कब आपका रिलीज हुआ है, तो वो डेट से लेके आपका सैलरी का जो भी साइकिल होता है ना वो स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी ऑफर लेटर रिलीज करने के साथ ही साथ ही यहाँ पे मैं फोटो रख देती हूँ गाइस, तो सैलरी का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में दिखता है, तो वो कंपनी प्रोवाइड करता है। उसके साथ ही साथ काफी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके साथ ही भी, तो सब कुछ आपको साइन करके फिर से उनको रिवर्ट बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा रिगार्डिंग दिस लेटर ऑफ इंटेंट क्या होती है एंड यहाँ पे ऑफर लेटर क्या होता है। अंटिल और अनलेस आप वो प्रोग्राम से गो थ्रू करके पूरा टेस्ट होती है जो भी होती है वो क्रैक करके जितना भी ड्यूरेशन का होता है वो पूरा आपने गो थ्रू किया है, तो ही जाके यहाँ पे लास्ट में आपको उसके अंदर भी क्वालिफाई करना पड़ेगा गाइज। इफ नॉट फिर से चांस दिया जाएगा, फिर से आपको सेम वही ट्रेनिंग में कई दूसरा नया बैच के साथ इंक्लूड करवा देंगे अगर आप फेल हो जाते हैं तो, ठीक है। पास हो जाने से आपको कुछ नहीं होगा, बट इमीडिएट डे आपका 2-3 डेज के अंदर ही आपका कंपनी ऑफर लेटर रिलीज कर देता है। बट यहाँ पे प्रोसेस कुछ ज्यादा ही टाइम लेता है गाइज, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, HR का यहाँ पे वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। मीनवाइल यहाँ पे एक बात मैं बताना भूल गई थी, जैसे कि आपका लेटर ऑफ इंटेंट लेटर ऑफ इंटेंट दे देते हैं, आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है, तभी जाके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी स्टार्ट होने लगता है। अगर आपने मान लो फ्रेशर होते हो, नॉर्मल एक लड़की हो, लड़का हो, अभी अभी पास आउट हुआ हो, तो यहाँ पे आपका कोई उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज यू आर अ फ्रेशर अप्लाइंग एज अ फ्रेशर, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कुछ नहीं आता है, तो सॉर्टेड। अगर आपने कुछ कंपनीज में वर्क किया है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जितना भी आपने क्लियर कर चुके हैं वहां पे फिर से HR के साथ कुछ कॉन्वर्सेशन होती है, अब चाहे तो
हो, बात कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस कंपनी में आपने एब्सकॉन कर दिया तो आपका आपके ऊपर ना कुछ ऐसा नेगेटिव जैसा फील आता है कि शायद इस बंदे फिर से यही कंपनी के साथ यही काम कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ बॉन्ड एंड एग्रीमेंट आपको साइन करना पड़ता है इन दैट केसेस, इफ यू आर ओके विथ इट, ठीक है। अगर ओके हो तो ही यहाँ पे आपको फिर से ऑफर लेटर कंपनी रिलीज करता है, कुछ इस टाइप में होता है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको थोड़ा सा डाउट है रिगार्डिंग दिस ऑफर लेटर एंड लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में, आई होप थोड़ा बहुत क्लियर कर चुकी हूँ मैं। एंड कुछ डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स गाइस। तो मैं मिलती हूँ दूसरे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई सी यू माई नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।